Students, in this lecture we are going to learn about some sign conventions for reflection by spherical mirrors which we have to use in solving numerical problem. The first point is that the object is placed to the left of the mirror. Object ko hamesha hum kahan par rakhenge? Mirror ke left mein. Second point, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर वो हमेशा पोल से मेजर करेंगे. क्लियर. द थर्ड पॉइंट इज दैट ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज द नेगेटिव. इसको हम अभी डायग्राम में भी देखेंगे. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव. जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेंगे है ना तो वो क्या होंगे पॉजिटिव. और जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेंगे बिलो बनेंगे ठीक है वो क्या होंगे नेगेटिव. ये डायग्राम देखिए. इस डायग्राम में ये मिरर है. कैसा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है. इस कॉनकेव मिरर में देखें तो दिस इज द पोल एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो जस्ट यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है और नीचे ये इमेज बन रही है ना. ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज. तो अगर आप देखें इसको इंटीजर्स जो आपने पढ़े हैं क्लासेस में अपने मैथ्स क्लास में उन्हीं उसी रेस्पेक्ट में इसको हम देखते हैं से दिस इज द ओरिजिन पी इज द ओरिजिन. तो ओरिजिन से लेफ्ट में क्या रहता है नेगेटिव इंटीजर्स और ओरिजिन के राइट में क्या रहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव इंटीजर्स. तो यहां पर भी यही कंसेप्ट यूज करना है. से ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहां रखेंगे लेफ्ट में. तो ओरिजिन से लेफ्ट में क्या रहेंगे नेगेटिव वैल्यूज. ओरिजिन के राइट में क्या रहेंगे पॉजिटिव वैल्यूज. ओरिजिन के ऊपर क्या रहेंगे पॉजिटिव वैल्यूज और ओरिजिन के नीचे क्या रहेंगे नेगेटिव वैल्यूज. तो हाइट जो रहेगी वो अपवर्ड वो पॉजिटिव. हाइट जो डाउनवर्ड रहेगी दैट इज नेगेटिव. और लाइट हमेशा किस तरफ पड़ेगी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ. नेक्स्ट हमें देखना है मिरर फॉर्मूला. तो उस बेसिस पर अगर हम एक मिरर फॉर्मूला निकालें मतलब जिससे कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ की. तो मिरर फॉर्मूला क्या है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. v इज द इमेज डिस्टेंस u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ. अब ये बात हमने पढ़ी थी कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है. तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. इसके अलावा हम फोकल लेंथ यहां से भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर. मैग्निफिकेशन क्या होता है कि साइज को इंक्रीज करना मैग्निफाई करना. क्लियर. तो जो मिरर्स हैं उससे हम साइज को कितना इंक्रीज कर पाएंगे दैट इज द मैग्निफिकेशन. तो बेसिकली हम कैसे मैग्निफिकेशन निकालते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. बेसिकली मैग्निफिकेशन है क्या कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो. तो इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ. आई फॉर द इमेज एंड ओ फॉर द ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन को हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दैट इज एम इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू. वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. नेक्स्ट अब यहां पे कुछ बेसिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखते हैं कि इफ एम इज नेगेटिव इमेज इज रियल. अगर एम नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी होगी रियल. एम अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल. इफ एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ मतलब हाइट ऑफ द इमेज इक्वल हो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के तो एम क्या हो जाएगा वन एंड इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट. तो इमेज का जो साइज रहेगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर रहेगा. इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर इसको ओ कर लेना तो देन एम क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा. तो इमेज कैसी होगी एनलार्ज्ड होगी साइज में बड़ी हुई होगी. इफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका मतलब एम क्या हो गया लेस देन वन हो गया तो इमेज क्या होगी डिमिनिश्ड होगी छोटी होगी. मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर ये हम लोगों ने जब प्लेन मिरर पढ़ा था तब भी देखा था वो हमेशा क्या होती है प्लस वन होती है क्योंकि वहां पर हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है. ठीक.
पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स वर्चुअल इमेज, जो मैंने बताया अभी कि जो मैग्निफिकेशन के लिए जो पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो मैं हमने देखा था कि प्लेन मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनी थी, ठीक। वन इंडिकेट दैट द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज, क्लियर। नेक्स्ट कुछ केसेस और हैं यहाँ पर, वो देखते हैं कि दैट इफ एम इज पॉजिटिव, एम क्या हो, पॉजिटिव हो बट लेस देन वन हो, लेस देन वन है और एम पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। एम क्योंकि पॉजिटिव है इसमें से वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो मिरर के पीछे बनेगी और लेस देन वन है, ठीक है। तो वो किस केस में होता था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आप लोग कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम देखिए, वहां पर जो साइज था इमेज का वो छोटा था, है ना। तो लेस देन वन कब होगा, जब इमेज का साइज छोटा हो ऑब्जेक्ट से, क्लियर। दूसरा पॉइंट, इफ एम इज पॉजिटिव, अगर एम पॉजिटिव है बट जो एम है वो मोर देन वन है, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में देखना कि जो ऑब्जेक्ट के साइज से कंपैरेटिवली जो इमेज का साइज था वो बड़ा था, तो इमेज का साइज बड़ा होगा तो इस वजह से जो वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन की वो मोर देन वन आएगी, इफ एम इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिव है तो वो हमेशा वो इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी, और रियल इमेज किसके केस में बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में बनती है। ये हमने डायग्राम से वहां पे जितने भी हमने केसेस पढ़े थे उनमें देखा था। नेक्स्ट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 10.1, इसको देखिए। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 mm, क्लियर। जो रेडियस ऑफ कर्व, एक ऑटोमोबाइल है उसके रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3.000 मीटर। अब इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है मिरर से, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। हमें पोजिशन बतानी है, नेचर बताना है और साइज बताना है। तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है मिरर से, और दूसरा जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो हम उससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ, क्लियर। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर बताया हुआ है और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है तो वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्लियर। तो जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ, वो नेगेटिव में होगी, और दूसरा जो यू है वो नेगेटिव में हमें पता है, मीटर में दोनों है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी। तो हमको यहाँ पर कोई कन्वर्जन तो करना ही नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से फोकल लेंथ निकालेंगे, देन मिरर फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, इमेज का डिस्टेंस, देन उसके बाद हम उसकी पोजिशन, नेचर एंड साइज वो बता सकते हैं। तो आप इस वाले एग्जाम्पल को एक बार सॉल्व करके देखें। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4.0 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, है ना। जो कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, उसमें वो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है यू, क्लियर। और मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी जो होगी कॉनकेव मिरर के केस में वो क्या होती है, नेगेटिव। एंड ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है और वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो इमेज जो है हमें एक स्क्रीन पर लेनी है, ऐसा हम वो कहां पर स्क्रीन रखें जिससे कि शार्प इमेज बन जाए उस स्क्रीन पर, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस, ठीक। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज, और हमें क्या फाइंड, और क्या फाइंड आउट करना है, एक तो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फिर उसका नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है। तो हमें क्या क्या पता है, एक हमें यू पता है जो नेगेटिव में, एक हमें एफ पता है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, वी द इमेज डिस्टेंस। दूसरा जब हमें ये निकल जाएगा तो उसके बाद हम उसका जो इमेज का साइज है वो भी निकाल सकते हैं और उसका नेचर भी बता सकते हैं, है ना। बाय पुटिंग वैल्यू दैट एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम साइज ऑफ द इमेज भी बता देंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल को देखें और इसके बाद जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें।